तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है रेखा का एग्जाम और मैं उसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ उसके कॉलेज में। तो आप देखते हैं रेखा, किस चीज का एग्जाम है आज? बस सोशियोलॉजी का एग्जाम। पढ़ा है कुछ? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कल रात को पढ़ी थी। अब देखते हैं कॉलेज में कितना पढ़ना है। तो कौन से कॉलेज में है आज? तो उसमें होम साइंस कॉलेज में, सेक्टर 10 है ना? 10 में। तो सेक्टर 10 में इसका पहला पेपर है। एग्जाम के चक्कर में मैंने कॉलेज देख लिए, मैंने 11 डीएवी। एग्जाम के चक्कर में नहीं, पढ़ना भी और पास भी होना है। होती है आपकी बहने, आपकी बहने एक दिन भी पढ़े। तो गाइज, मैं इसको ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने जिम क्योंकि आज है वीकेंड और काफी टाइम बाद मैंने जिम करी नहीं है। लेग्स डे काफी मिस हो गया मेरा, तो आज हम लगाएंगे लेग्स डे। और उससे पहले लग लगाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना शेक रेडी कर दिया है और साथ में मेरे बैग में है प्रोटीन, अंडे और क्रिएटिन साथ में रहेगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ जिम में और आज हम लगाएंगे लेग्स डे और मैं अपनी लेग्स डे की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा कॉलेज के बाहर। और आज रेखा का पेपर है, कुछ देर में हमारा तांडव होने वाला है। पढ़ के गई है और क्या? तो गाइस, ये सेक्टर 10 जहाँ पर रेखा का एग्जाम आज धक धक हो रही है। बस यार, लिख के तो आ ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ही है कि टाइम फटाफट निकल जाता है ना। अरे यार, मैं तो घड़ी लाना भूल गई। फिर कोई ना, वो तो वैसे भी बता ही देते हैं, बट उनको बताने से अच्छा अपना खुद देख लो ना, वो अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट आए जा रहे हैं अभी जिनका पेपर है, तो चल रेखा बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आज अंदर लेने के लिए। ओके बाय। कितने बजे? 12:30 तक। 3 बजे कितने? फोन कर देना मेरे को। ठीक है, चल बाय बाय। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिम में एंड इसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एंड उसके बाद करेंगे हम लेग्स के एक्सरसाइज और लेग्स के सारे मूवमेंट्स आपको दिखाएंगे एंड लेग्स के सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं 4-5 वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेचिंग से। तो गाइज, लेग प्रेस एंड स्क्वाट्स दोनों का एक एक सेट करना है, यानी कि अल्टरनेट है, पहला लेग प्रेस देन स्क्वाट्स। और इसमें जो वेट रहेगा वो रहेगा 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ऐड करते रहना है क्योंकि गेनिंग में है। तो गेनिंग में ये है कि थोड़ा हैवी वेट लिफ्ट करेंगे आज और लेग काफ़ी टाइम से लगाए, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक कि स्ट्रेंथ डाउन है काफ़ी आज। एंड एक सेट रहेगा हमारा स्क्वाट्स का, देन सेकंड रहेगा लेग प्रेस का। और एक और चीज़, इसमें मैंने शूज़ दिखाए यहाँ पे, ये मैंने स्पोर्ट्स शूज़ डाले बट आप इसमें फ्लैट शूज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो आदत है, तो मैं कैरी कर सकता हूँ साथ में और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती स्क्वाट या लेग प्रेस लगाने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है फ्लैट शूज़ ही आप यूज़ करें ताकि आपको अच्छे से स्क्वाट्स लगे। तो गाइज, मेरे कंप्लीट हो गए हैं 3 एक्सरसाइज, 3 सेट सॉरी।
लेग प्रेस एंड स्क्वाट्स के। अब मेरे जो दो तीसरा और चौथा एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल लेग कर्ल जो कि ये वाला है एंड लेग एक्सटेंशन जो कि ये वाला है। तो इसके भी तीन तीन सेट रहेंगे और रेपिटेशन भी रहेगी 15, 12 and 10। फाइनली हमारे हो चुके हैं 5 एक्सरसाइज, लंजेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब इसके बाद टोटल 5 एक्सरसाइज थे। सेट थे हमारे 3, रेपिटेशन से 15, 12 and 10। और इसीलिए आज हमारे लेग्स डे होता है ख़त्म और बॉडी बहुत अच्छी पंप है। इवन मेरी अपर बॉडी भी अच्छे से पंप हो रखी है आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको शो कराता हूँ कि पूरी बॉडी जो है ओवरऑल बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है इस बॉडी का। तो गाइस लगाई मैंने लोअर बैक है लेकिन आप देख सकते हैं पूरा अपर बॉडी भी पंप हो चुकी है और अच्छे से एब्स भी विजिबल है। और मैं अभी लेग्स मसल पूरी तरह से पेन हो रखा है इनमें और मुझे लगता है एक दो दिन तो अब चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज बहुत हैवी वर्कआउट था एंड स्ट्रेंथ कम थी लेकिन मैंने जोर जबरदस्ती करके आज थोड़ा एक्सरसाइज को ज़्यादा लगा दिया। अब इसके बाद हम लेंगे सेकंड मील अपनी जो मैंने अपनी प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट रेडी किया था साथ में क्रिएटिन ऐड करके। पेपर अब इसे पूछते हैं क्या पेपर कैसा हुआ। कैसा हुआ पेपर? पेपर तो अच्छा ही हुआ पर जो ध्यान से पढ़ के जा रहा वही नहीं आता। एक दिन में पढ़ने से हो जाता ऐसा नहीं होता भाई। मैं कितने दिन ये अब देख मम्मी के हाथ पिटाई थी। ऐसा नहीं पास तो हो जाऊंगी अच्छे नंबर से पर जो ऊपर ऊपर पढ़ा था ना वही आया था यार। चल ठीक है ठीक है भूख लगी है कुछ तो खिला दो। क्या ये नहीं खाना घर जाके अच्छी चीज खाएंगे सर जो वो है ना करने का करने का जूस। चल मम्मी एक बात बताऊं कहाँ हो ये देखो इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा क्या है क्यों नहीं अच्छा क्या है इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है क्यों यार पानी तो दे दे तो पहले वो पानी भी रोक देंगे मम्मी। पानी पूरी कुछ नहीं मिलना इसने एक रात को पढ़ाई करनी होती है और पेपर अगले दिन पेपर होता है। पहले ही करी थी मैंने बहुत पहले से करी थी ठीक है ना। अगर पेपर
पास नहीं हुए ना फिर पास तो मैं हमेशा होती हूँ। मैंने कम इसने कपड़ा कल रात को ही पढ़ा था ना, कल रात को पढ़ा था और रात को और दिन में थोड़ा दिन में बस पूरे साल में ना। देख लो तुम्हारी बेटी एक दिन में रात में पढ़ के पास हो जाती है। पास नहीं हुई ना फिर बताऊंगा। तो मैंने शिकायत कब करी, मैं हमेशा पास होती हूँ है ना, अच्छे नंबरों से, अच्छे नंबरों से। तो गाइज ना धोके हम रेडी हो चुके हैं और खाने के लिए, और टाइम हो गया 2 बजे और लंच टाइम हुआ है। तो मैं दिखाऊंगा मम्मी ने क्या बनाया। मम्मी ने मेरे लिए बनाया अंडा कड़ी और खुद के लिए बनाया कड़ी। हाँ थैंक यू। तेरे लिए अंडा कड़ी, रेखा हाँ, के लिए। रेखा के आप नहीं खाते ना अंडा तो? तो गाइज रेखा तो अंडा खाते नहीं, और मुझे थोड़ी प्रोटीन की कमी थी, मेरा प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाएगा। तो मैं तो अंडा लंच में मेरा अंडा रहेगा, और मेरे अलावा कोई खाता नहीं है जैसे अंडे चिकन वगैरह, तो मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ या फिर मम्मी मेरे लिए बना देती है। और अब करेंगे लंच। तो हेलो एवरीवन, तो शाम के बज चुके हैं 5 और अभी हम आए हैं छत पे, और जैसे आप देख सकते हैं मम्मी छत पे पानी डाल रहे हैं और पौधों को। पिछले वाले ब्लॉग में हमने दिखाया था पौधों को कि तब छोटे छोटे थे, अब आज हम आपको दिखाएंगे काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मम्मी, ये है हमारी मम्मी की मेहनत, और जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे शिमला मिर्च आ गए। और ये हमारा लहसुन है, और ये अभी ये छोटा वाला है, इस पे लग रहे हैं जी सब देख सकते हैं। ये वाला हमारे वो जो रेड और क्या कहते हैं येलो वो वाला होता है ना महंगे वो है, इस पे अभी लग रहे हैं। और ये सब देख सकते हो, ये हमारे मिर्च, ये वाले मिर्च, ये इसमें हम अचारी वाले उसमें भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तीखे नहीं होते। तीखी वाली मिर्च ये होती है, काफ़ी तीखी होती है, जितनी छोटी होती है ना उतनी तीखी होती है ये। तो गाइज अब हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।